कि मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? देखिए, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहां पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? इंडिया के नाम से आपको प्रॉब्लम होने लगी है। हमें देखिए, कुछ लोगों को यूपीए के नाम से चिंता होगी, क्योंकि भ्रष्ट चेहरा, भ्रष्ट नेता, ये सब जिनकी ना नेता ना नीयत और ना नीति थी, उनके लिए मजबूरी थी यूपीए का चोला उतारने की। लेकिन शायद वो भूल गए, यूपीए का चोला उतार भी दिया, पीछे चेहरे, चाल और चरित्र वही नजर आता है जो 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला से लेकर सबमरीन घोटाले तक सारे नजर आते हैं। नाम बदलने से यूपीए के आपके काम नहीं बदल जाते। सारा देश देख रहा है कि किन भ्रष्ट नेताओं का ये संगम है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। देखिए, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, हमने किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन वो भारत के विरोध में है। ये एक बार नहीं, कई बार देखा गया, जब भारत की सीमा पर चीन के सैनिकों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता भारत के सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए। वो चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया गया। ये कांग्रेस ने किया है, वो भारत के सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सैनिकों का मनोबल तब भी बढ़ाया था, आज भी बढ़ाया। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भी ये लोग भारत के सैनिकों के साथ नहीं खड़े थे, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जब जब देश की बात आती है, भारत की बात आती है, ये लोग देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का कार्य। अरे, नाम तो हमारे देश का आज नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। और आप इसको कुछ भी हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, भारत कहें, आपको क्यों इससे विरोध होता है? अगर मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तो आप क्या कहें? मैं कहता हूं भारत का रहने वाला, तो आपको क्यों करे इसे? भाई, मैं इंडिया का भी रहने वाला हूं, आप किसी भी नाम से लें। देखिए, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहां पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? इंडिया के नाम से आपको प्रॉब्लम होने लगी है। आपकी बहुत सारी हमें देखिए, कुछ लोगों को यूपीए के नाम से चिंता होगी, क्योंकि भ्रष्ट चेहरा, भ्रष्ट नेता, ये सब जिनकी ना नेता ना नीयत और ना नीति थी, उनके लिए मजबूरी थी यूपीए का चोला उतारने की। लेकिन शायद वो भूल गए, यूपीए का चोला उतार भी दिया,
पीछे चेहरे, चाल और चरित्र वही नजर आता है जो 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला से लेकर सबमरीन घोटाले तक सारे नजर आते हैं। नाम बदलने से यूपीए के आपके काम नहीं बदल जाते। सारा देश देख रहा है कि किन भ्रष्ट नेताओं का ये संगम है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। देखिए, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, हमने किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन वो भारत के विरोध में, ये एक बार नहीं कई बार देखा गया, जब भारत की सीमा पर चीन के सैनिकों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता भारत के सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए, वो चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया गया, ये कांग्रेस ने किया है। वो भारत के सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सैनिकों का मनोबल तब भी बढ़ाया था, आज भी बढ़ाया। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भी ये लोग भारत के सैनिकों के साथ नहीं खड़े थे, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जब जब देश की बात आती है, भारत की बात आती है, ये लोग देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का कार्य करते हैं। अरे, नाम तो हमारे देश का आज नहीं, हजारों वर्ष पुराना है, और आप इसको कुछ भी हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, भारत कहें, आपको क्यों इससे विरोध होता है? अगर मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं भारत का रहने वाला, तो आपको क्यों करे इसे? भाई, मैं इंडिया का भी रहने वाला, आप किसी भी नाम से लें।